हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन की ओर से नमस्कार। आज हम शकरकंदी की सब्जी बनाने की विधि आपको बताएंगे। इसमें हमने 500 ग्राम शकरकंदी ली है, फ्रेश ताज़ा, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। और अब इसको हम अच्छी तरह से छीलेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर से छिलका है वो हम अच्छी तरह से इसको हटा देंगे एक एक करके। देखिए दोस्तों, अब इनको अच्छी तरह छील लिया है। अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इनको हमें छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे, या लंबी आलू की तरह भी काट सकते हैं, लेकिन हमको अच्छी तरह छील के गोल गोल टुकड़ों में काट कर लिया है। इस करके हमें सभी शकरकंदियों को एक एक करके कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब सभी शकरकंदियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए दोस्तों, मिर्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। दो टमाटर जिनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इनमें लहसुन व अदरक का थोड़ा पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, अदरक व लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, अब गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर पैन को ऊपर रखेंगे और इसमें हमें थोड़ा 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। इसको थोड़ी देर गर्म करेंगे। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जीरा डालेंगे और जीरा को हल्का सा ब्राउन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा हींग ऐड करेंगे। लहसुन व अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से इसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 4-5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, अब शकरकंद को इसमें अंदर डालेंगे, कढ़ाई के अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक अपनी स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे नमक की सहायता से। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब 1 चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच से इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। सब्जी बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनने जा रही है। आप भी अपने बच्चों को इस तरह की सब्जी बनाकर खिलाएं। देखिए दोस्तों, अब कढ़ाई को हम ढक्कन से ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, अब ये ढक्कन को हटाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी ने अभी पककर तैयार हो चुकी है और तेल अलग होने लगा है। अब सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करते हैं और इसको अलग बर्तन में सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों, शकरकंदी की सब्जी है वो हमने बहुत ही सूखी बनाई है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है।
शकरकंदी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सर्दियों में आप भी अपने किचन में बनाकर खाएं, बच्चों को खिलाएं। देखिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया की खुशबू कुछ अलग ही आती है। देखिए दोस्तों, अब इसको आप रोटी पराठे पूरी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। अच्छा, धन्यवाद।